Hi guys, this is me, your favorite AKR, and you are watching Akshay Kumar Rahi YouTube channel. तो पिछले जितने भी ब्लॉग्स आ रहे हैं आप उन सबको बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत व्यूज दे रहे हो, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स दे रहे हो. थैंक यू सो मच. प्लीज ऐसे ही लव एंड सपोर्ट बना के रखिए और आने वाली वीडियोस को एंजॉय करते रहिए. साथ ही साथ आज आप सभी लोगों को विश यू अ वेरी 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 हैप्पी होली. आपको, आपकी फैमिली को और आपके पास जितने भी आसपास के लोग हैं उन सबको बहुत ज्यादा हैप्पी होली. तो आज छोटी होली है, मतलब एक होती है पूजने वाली होली और एक होती है रंग से खेलने वाली होली. तो आज पूजने वाली होली है, तो आज हम सब लोग रेडी होके जा रहे हैं होली पूजने. और आप सब लोगों के भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई अपने होली पे आप लोग सेफ रहिए. जो ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं ना वो यूज करना, पानी बिल्कुल भी मत वेस्ट करना, क्योंकि वैसे भी मौसम आपको पता ही है सर्दी गर्मी का मौसम रहता ही है. तो भाई ज्यादा पानी वानी यूज करोगे, ज्यादा गीले लोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी. तो पानी बिल्कुल मत वेस्ट करना, सेफ रहना, अच्छी नीट एंड क्लीन, मतलब नीट एंड क्लीन से मतलब है ज़्यादा रफ या ज़्यादा वो वाइल्ड वाली होली ना खेलना. बहुत ही प्यार मोहब्बत से, बहुत ही आसान तरीके से ही होली खेलना. बाकी वैसे होली का त्यौहार तो साल में एक ही बार होता है, बट लोग अपने रंग पल पल बदलते रहते हैं, तो आप लोग उनसे भी सतर्क रहना, सावधान रहना. क्योंकि होली के जो पक्के रंग या हार्मफुल कलर्स होते हैं ना उनसे भी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ऐसे लोग जो पल पल अपना रंग बदलते रहते हैं. तो आपको इन सबसे भी बच के रहना है. तो अभी तो फिलहाल ये है सीन कि मैं तो हूँ रेडी. ठीक है, आप देख ही रहो भाई एकदम कुर्ता उड़ता पहन के एकदम मस्त इंडियन अटायर में. तो मैं हूँ रेडी और अभी अद्विक और रेडी. आज मैं आपको अद्विक कपड़े दिखाता हूँ, उसने बहुत ही प्यारा सा कुर्ता पहना है, तो मैं वो दिखाता हूँ. फिर हम सब लोग चलेंगे होली पूजन करने. और अभी तो फिलहाल अद्विक रो रहा है, बट अद्विक पूरा रेडी हो रखा है, बहुत मस्त कुर्ता पजामा पहन के अपना एकदम मस्त रेडी हो रखा है, जो कि इसके लिए गिफ्ट आया था मथुरा से. मेरी एक फ्रेंड गई थी मथुरा, वो उसके लिए लेके आई थी. अद्विक अद्विक थैंक यू बोलो. थैंक यू इतने प्यारे कपड़ों के लिए, कुछ तो बोलो. मेरी वीडियो में एक रिएक्शन नहीं देता यार ये बंदा. अब बस हम गली के नीचे आए थे, वही देखो बच्चों की होली ऑलरेडी शुरू हुई है. अब इधर देख, देखो तूने नहीं लाया ना, तूने नहीं लाया ना इसको. हां इधर कहां लगाया यार उसके, तूने उसके पिछवाड़ा रंग दिया तूने उसका. ओ यार आराम से स्कूटी मत मार देना. अभी एक तरफ तो पूजा चल रही है और दूसरी तरफ मैं और मोनू भी आ गया. मोनू सो रहा था, मैं उसको उठा के ले आया कि मैं क्या लड़का, मैं क्या करूंगा, तू भी साथ चल. जा मोनू पूजा कर, तेरी वीडियो बनाऊंगा मैं. दिशा को आपने पहले भी ब्लॉग में देखा होगा, बट पहले इसके बाल थे अब इसके बाल नहीं है. दिक्षु बाल कहां गए आपके? नहीं है, खत्म हो गए. गए चूहा ले गया. बाकी सब लोग तो पूजा कर रहे हैं और अद्विक एक अकेला कान्हा जी बन के सारी लेडीज के साथ अकेला अकेले घूमी घूमी कर रहा है, चढ़ के पूजा पाठ कर रहा है. अलग ही पंडित जी बने हुए हैं हमारे यहाँ पे. ड्रेस देखो, ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है वैसे आज इसकी. यस गाइस आई एम बैक होम. पूजा हो चुकी है, देख रहे हो आप टीका, मेरे को टीका लग चुका है. बाकी जिस तरह से भी होली पूजी जाती है तो मम्मी ने, दीदी ने और बाकी जितने भी आंटीज लोग थी गली की सबने मिलके बहुत अच्छे से होली पूज ली है. अब हम करते हैं आगे की बात. तो जो है कल का दिन है कलर वाली होली, तो इसका व्लॉग भी मैं साथ साथ शूट करूंगा. अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने एडिटिंग के काम से बाहर, तो आप लोग भी तब तक कहीं मत जाओ, आप लोग बैठो और सिर्फ वीडियो देखो. क्योंकि भाई ब्रेक मेरा, ब्रेक आपका नहीं, वीडियो कंटिन्यू चलती रहेगी. व्लॉग कंप्लीट होगा मतलब होली सेलिब्रेशन के बाद, जो रात में जब सोने का टाइम आएगा, जब मैं गुड नाइट बोलूंगा तब व्लॉग खत्म होगा. अभी व्लॉग कंटिन्यू है, तो आप बैठ के व्लॉग देखो, मैं थोड़ा अपना काम करके आता हूँ. तो वैसे जैसे आप लोगों को सबको पता है कि अद्विक का पहली होली है, अद्विक की पहली होली है. तो अभी हम मम्मी उसको टीका वीका कर रही है और बाकी सब चीज़ें करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ. और उसके बाद जैसे हम लोग होली सेलिब्रेट करते हैं वो भी सर आपको दिखाता हूँ. वैसे हम बहुत बेसिक कर रहे हैं क्योंकि न्यू नो ज़्यादा कलर या ज़्यादा गीले हो जाएंगे तो हम अद्विक के पास नहीं जा पाएंगे, और वो कभी भी रो जाता है या उसको भूख लग जाती है, कोई उसको संभालने के लिए होना चाहिए. तो हम लोग भी कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं करेंगे, बहुत ही लाइट, बहुत ही बेसिक खाने खाएंगे, अच्छे से फैमिली को टाइम देंगे और गाने वाने सुनेंगे, मस्ती करेंगे, बट वैसे कुछ नहीं करेंगे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा कलर या फिर ज़्यादा पानी वानी नहीं यूज़ करेंगे. तो पहले हम दिखाता हूँ कि मम्मी अद्विक को कैसे टीका कर रही है, उसकी फर्स्ट होली कैसे हम लोग सेलिब्रेट कर.
सब व्यूअर्स है ना उनको भी हैप्पी होली बोल दो, टीका लगा दो उनको भी, सबको हैप्पी होली, सब खुश हो, कैमरे के पास कर दो टीका बस, हैप्पी होली। अजबी के साइड से भी आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा हैप्पी होली। अभी हमारा सोतू लाल ये दुनिया भर में हर जगह हर चीज करता है लेकिन बस मेरी वीडियो में रिएक्शन नहीं देता कभी भी, बहुत ज्यादा भाव खाता अभी से, इतना भाव खाता है लालू कालू पालू। अभी हम लोग आ गए हैं बॉबी भाभी और सीताराम भैया के पास, और सीताराम भैया ने स्पेशली हमारे लिए बहुत अच्छी टेस्टी चाट बनाई है, तो पहले वो खाते हैं टेस्ट करते हैं बताता हूँ मैं, वैसे तो बहुत अच्छी मैंने पहले भी खा रखी बहुत। तो आ गए हमारी बहुत ही स्पेशल चाट और इसके अंदर है छोले और ऊपर से प्याज, फिर अपना बीटरूट और उसके बाद आलू की सेव और बहुत सारे मसाले, तो ये बहुत देखने में तो बहुत ही अमीर, एक बार खा के भी देखते हैं। मैंने एक बाइट ऑलरेडी खा ली है उसकी रिकॉर्ड नहीं करा, तो रिकॉर्ड करके खाता हूँ। बहुत नेक्स्ट लेवल यार, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। तो यार देखो हमने चाट तो खा ली है बट होली की सबसे मेन चीज होती है गुजिया, तो हम वो कैसे छोड़ सकते हैं, तो अभी मैं गुजिया खा के दिखाता हूँ आपको। तो पता है मुझे तो ऐसा लग रहा है ना ये नॉर्मल डेली लाइफ ब्लॉगिंग छोड़ के ना मुझे ना फूड ब्लॉगिंग करनी चाहिए, मतलब एक तो वैसे मैं इतना गोलू मोलू सा खाता पीता सा और चीज़ें मेरे पास आती रहती है बढ़िया बढ़िया खाने को, तो मेरे को लग रहा है कि मुझे ना फूड ब्लॉगिंग ज़्यादा करनी चाहिए और नॉर्मल डेली लाइफ ब्लॉगिंग कम करनी चाहिए। बट चलो मेरी खा के लेते हैं यार, बहुत मेरे को ना बहुत डिलीशियस लगती है। मैं गुजिया में पूरे दिन खा सकता हूँ पर सिर्फ होली पे, मतलब स्पेसिफिकली जब मुझे कोई कहीं और ऐसा दिया जाता मुझे तो मेरा मन नहीं करता, बट होली पे ना मैं पूरे दिन खा सकता हूँ गुजिया, बहुत टेस्ट। तो एक बारी फिर से चाट खा ली, गुजिया खा ली, अब ना मम्मा ने पकौड़े बनाए थे, मेरी पकौड़े बट रही है, पकौड़े भी टेस्ट करके देखते हैं यार। पता नहीं आजकल क्या हो गया, मैं ना बहुत ज़्यादा फंबस मारने लगूँ, ये भी इसलिए क्योंकि मैं आजकल ना कुछ रिसेंट कुछ टाइम से बाहर के लोगों से मिल नहीं रहा, कुछ ज़्यादा कम्युनिकेट कर नहीं रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया, मतलब थोड़ा सा ऑफ से हो रखा है मूड, तो ब्लॉग बना के खुद को एंटरटेन करता रहता हूँ और मैं जो भी करता रहता हूँ आप लोग उसको देख के एंटरटेन होते रहते हो, तो इसलिए बस ये मेरा और आपका कनेक्शन चलता रहता है। बाकी मैं जल्दी से पकौड़े खा के देखते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को अपनी वीडियो में ज़्यादा फूड लेके आना चाहिए, मैं मुझे फूड ब्लॉगिंग की तरह ज़्यादा करना चाहिए, तो वो भी कमेंट में बता देना, अगर ऐसा होगा तो मैं भाई फूड के वो भी ज़्यादा बताने लग जाऊँगा, क्योंकि मैं खाता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ ना, जिम विम का तो नहीं है नहीं, डाइट वाइट करते नहीं, कोई अपने को तो देखते हैं नहीं, सब अपन खाते पीते मज़े मारते हैं, तो मेरे को बता देना, तो मैं कमेंट में और ज़्यादा डालने लग जाऊँगा, मतलब आप जितना ज़्यादा कमेंट डालोगे मेरे को पता लग जाएगा कि हाँ भाई ऑडियंस को पसंद आ रहा है, अपने भाई लोगों को अच्छा लगता है खाना वाना देखा, तो मैं और खाता रहूँगा। और जो चीज़ आप लोग नहीं खा सकते, मतलब आप कुछ पर्टिकुलर डाइट फॉलो कर रहे हैं आप वगैरह वेजिटेरियन हो और आप चाहते हो कि भाई किसी डिश का टेस्ट आपको पता लगे, तो मुझे वो भी बता देना भाई, आपकी तरफ से मैं खा लूँगा, मैं आपको बता दूँगा कैसा लगता है। हम लोग तो अब क्या ही होली खेलते हैं, मतलब बिल्कुल एकदम देखो जैसे नोनो काका बच्चा वाली होली, बट जब हम छोटे थे ना मैं दिखाता हूँ हम लोग कैसे होली करते हैं, और एक्चुअल में गली में कैसे होली खेलनी चाहिए। ओए लल्ले, ओ लालू, आप ही हो वीडियो में, ये देखो हमारी भाभी, देखो हमारी गली की भाभी मस्त, वैसे बाकी दिनों से आज ज्यादा अच्छे लग रहे हो। हाँ मोनू नीचे आ जाओ, नीचे डांस, ये पूरा बच्चा पार्टी फौज फुल मौज मारते हुए वो देखो इसमें कीचड़ का पानी लिया, कीचड़ का पानी देख रहे भाई, यार ये भी एक तरीका होता है, ये होती है 12 बजे के बाद 3 पैक वाली होली, आफ्टर 3 पैक। यार देखो मैंने कहा था ना ब्लॉगिंग मुझको फूड ब्लॉगिंग ज़्यादा करनी चाहिए, इतने मस्त मम्मी ने टेस्ट टेस्ट पकौड़े बना रखे ना, तो जैसा आप लोग देख सकते हो वही हमने शुरू तो करी थी ऐसा पोलाइट वेरी नाइस प्यारी प्यारी छोटी मोटी ऐसे ऐसे करके इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स बोल बोल के मैंने वीडियो शुरू तो करी थी, पर अब आप मेरा हाल देख सकते हो क्या खतरनाक होली खेली अभी हम लोगों ने गली के अंदर, क्योंकि आया था ना हमारे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे हम सब लोग मिल के ही सारा सेलिब्रेट करते हैं पूरी तरीके से, तो जितने भी फैमिलीज होती हैं भाभी वगैरह वो सब आ जाती हैं, आंटी भैया लोग वगैरह सब लोग आ जाते हैं, हम लोग जब कभी भी कॉलोनी में कोई फेस्टिवल होता है कुछ भी अच्छा दिन होता है तो हम सब लोग ये करते हैं, तो देखो
मतलब मैंने भी बहुत रंगा है भाभी वगैरह को सबको, और बट उन्होंने मेरे को भी बहुत रंगा है। और भी शॉर्ट वोट तोड़ रहे थे भाई, तो मैं तो भग गया जल्दी जल्दी। मैंने कहा नहीं नहीं भाई कपड़े वपड़े मत फाड़ो। पर हाँ बहुत मजा आया। अभी ये सब है पर ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि ना मैंने पहले तो ऑयल लगा लिया था फेस पे और बालों में, तो उससे थोड़ा अच्छा मतलब ठीक हो जाएगा। और सेकेंडली ना जैसे अभी सब कुछ है ना, तो अभी नहाने जाने से पहले मैंने एक टैनिंग क्रीम लगा रखी है, तो जब वो रब करके निकालूंगा तो सारा जो ऊपर ऊपर कलर है ये सारा निकल जाएगा। और फिर नारियल का तेल लगाना दोबारा से, तो आपकी स्किन एकदम ठीक रहेगी। तो ये टिप आपके लिए भी है कि जब भी आपका होली हो या कुछ ऐसा कलर वाला फेस्टिवल हो, तो हमेशा अपनी स्किन के ऊपर ना पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि कलर निकलने में आसानी हो। तो फाइनली मैं नहा चुका हूँ, बट कलर आप देख रहे हो अभी भी है का थोड़ा थोड़ा ना, मतलब बहुत मेजर तो निकल गया जो मैं आपको पहले क्लिप दिखाई थी, बट अभी भी है। तो एक मतलब आज रात थोड़ा सा मैं लगा के जो फेस पैक है वो लगा के सोऊंगा, और सुबह उठूंगा और फिर जब मैं वॉश करूंगा तो आराम से सारा कलर निकल जाएगा। बट हाँ यार देखो, बोलने के लिए तो बोलना पड़ता है कि यार भाई सेफ रहना का, ऐसे कलर्स के साथ करना वो करना, लेकिन एक्चुअल में जो होली का मजा है ना, वो एकदम जो देसी तरीके से और गोइंग क्रेजी और जो ऐसा मुंह रगड़ देना ये वो, भाई उसी में मजा आता है यार। एक दिन तो होली आती है तो, और ऐसा थोड़ी ना ये जिंदगी भर रहेगा, ठीक है देख दो दिन बाद निकल जाएगा, बट भाई मजा तो इसी चीज के अंदर आता है। चाहे कोई कितना भी मतलब बोलना पड़े कि भाई ऐसे करना वैसे करना, मुझे पता कमेंट बहुत सारे लोग लिख देंगे हिपोक्रेट हिपोक्रेट है जो बोलता वो खुद नहीं मानता। बट तो मेरी मम्मी हरियाणा से है, तो जो मेरे हरियाणवी रूप है वो बाहर आया, और फिर मैंने पकड़ पकड़ के सबको लिटा लिटा के नहलाया। पर मैं तो भाई बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, और मैं सच बताऊँ ना, कोई कितना भी चीज़ को कैसा भी समझे, बट एक्चुअल में मज़ा ऐसे ही आता है। और फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का ना जो ऑथेंटिक तरीके होते हैं ना, जैसे हम दिवाली में करते हैं, ठीक है, तो जैसे दिवाली का है ना रिचुअल है उस तरीके से अगर फॉलो करते हैं ना तभी मजा आता है। अब होली का रिचुअल है कि थोड़ा नॉटीनेस इसके अंदर होता है, थोड़ा ऐसा क्रेजीनेस इसके अंदर होता है, तो इसको ऐसे बड़ा अंग्रेजों की तरह पोला पोला ऐसा ऐसा करके लगाने कोई मजा नहीं है भाई। जब तक ऐसे पकड़ कर रगड़ो ना आता तो नहीं मजा आता। तो मैंने बहुत इंजॉय करा। तो फाइनली रात भी हो चुकी है, हमने डिनर कर लिया, ऑल सेट। बीच में इतना कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था कि जो मैं खास रिकॉर्ड कर पाऊँ, बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको बहुत मज़ा आया हो हमारी होली सेलिब्रेशन के अंदर। और अद्विक की पहली होली थी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट वीडियो के अंदर कमेंट कर देना, बहुत सारे लोगों को शेयर कर देना, और भाई सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल के लिए मेरे चेहरे पर देखना इतना सारा ऑयल वगैरह, ये इसलिए ताकि पूरा का पूरा कलर कल तक एकदम खत्म हो जाए। तो इसी के साथ भाई प्रो टिप मैंने आपको दे दी है, तो आप लोग अपना काम पे लग जाओ, मैं आगे की वीडियोस बनाने लग जाता हूँ। चलो बाय।